multiverse. You can live up to your ultimate potential. What's happening? Stop it. Everything Everywhere All at Once ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। वैसे इसमें आपको कॉमेडी भी देखने को मिलेगी और मूवी का कंसेप्ट बहुत बढ़िया है। इस मूवी में एक चाइनीज लेडी एक बहुत ही अजीब एडवेंचर पर जाती है, मतलब एक ऐसा एडवेंचर जहां पर वो अकेली ही दुनिया को बचा सकती है अलग अलग यूनिवर्सेस को एक्सप्लोर करके। अब ये सब इसी के साथ क्यों हो रहा है, ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है और ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। दोस्तों इसकी स्टोरी बहुत बढ़िया है और इसे देखने के बाद आपको कुछ मार्वल मूवीज़ की भी याद आ जाएगी। डायरेक्शन और टेक्निकल एस्पेक्ट्स मुझे परफेक्ट लगे और परफॉर्मेंसेस बहुत ही बढ़िया थे। कैरेक्टर डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत अच्छे से किया है और हर एक कैरेक्टर के साथ आप कनेक्ट भी हो पाते हो। कैरेक्टर्स की वजह से ये मूवी आपको और भी ज़्यादा पसंद आती है और बहुत जगह पर आपको अच्छी कॉमेडी भी देखने को मिलती है। विजुअल इफेक्ट भी मुझे बहुत बढ़िया लगे और प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग भी इम्प्रेसिव है। इसकी स्टोरी एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया है कि ये स्टोरी आपको आराम से समझ में आ जाती है। ये आपको एडवेंचरस जर्नी पर लेकर जाती है जिसमें कुछ बढ़िया साइंस फिक्शन एलिमेंट्स भी है। स्क्रीन प्ले भी बिल्कुल एंगेजिंग और फास्ट पेस्ड है, तो इसके हर एक मूवमेंट को आप एंजॉय करते हो। सिनेमाटोग्राफी मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगी और हिंदी डबिंग भी मुझे पसंद आई। मूवी का सब्जेक्ट ही एडल्ट है और इसमें कुछ एडल्ट सीन्स भी है, हालांकि उन्हें ब्लर किया गया है लेकिन फिर भी आप इसे फैमिली के सामने नहीं देख सकते। प्रो ऑडियंस को भी यह मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ पर मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि इस मूवी में जो भी कुछ दिखाया है उसे सिर्फ आप एंटरटेनमेंट के हिसाब से ही देखें, मतलब इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखाई है जिसकी वजह से नए जनरेशन पर गलत असर पड़ सकता है। किसी भी मूवी से हमें सिर्फ अच्छी चीज़ें ही सीखना चाहिए, बस ये बात हमेशा ध्यान में रखना। मतलब ये मूवी देखने के बाद आप इसके बारे में ज़्यादा सोचना मत जैसे कि आप मार्वल मूवीज देखकर सोचते हो। इन सारी बातों को अगर साइड में रखते तो मूवी बहुत बढ़िया है और आपको हर तरीके से एंटरटेन करती है। मैं इस मूवी को दूंगा 10 out of 10 और मैं इसे आपको रिकमेंड भी करता हूँ। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और वो टाइम सिर्फ अच्छी मूवीज़ और टीवी सीरीज़ देखने में इन्वेस्ट हो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।